रेलवे खसारा से मुतालिक केस नैब टीम ने ख्वाजा साद रफीक को अदालत में पेश कर दिया। साद रफीक के वकील ने रेलवे खसारा पर ऑडिट पैरा का जवाब जमा करा दिया। कोई करप्शन या बेजाबतगी नहीं है, वकील ख्वाजा साद रफीक लॉसेस तो हुए हैं ना, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मेरे दौर में रेलवे ने 21 मिलियन रुपए खुद पेंशन की मद में दिए, अब तो शाबाश दें। ख्वाजा साद रफीक का चीफ जस्टिस से मुकालमा, शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा, चीफ जस्टिस। स्कूल्स और कॉलेजेस में मुनशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक केस, बच्चों को मुनशियात कहां से मिल रही हैं, ये पूरे मुल्क का मसला है। मुनशियात के इस्तेमाल के बायस 3 अमवात सामने आ चुकी हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का 4 सूबों को रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। अस्पतालों की हालत ज़ार से मुताल्लिक केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद अदालत में पेश, वेंटिलेटर से मुताल्लिक अदालत को आगाह कर दिया। 29 दिसंबर को पे कमीशन की समरी काबीना में पेश करेंगे सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। LDA का एक्शन, लाहौर का व्हाइट हाउस जमी बोस, क्रेनों हथौड़ों और भारी मशीनरी से खोखर पैलेस की दीवारें तोड़ दी गईं। अमले ने मरकजी गेट भी उखाड़ दिया। इंतजामिया ने पैलेस से गंदम की बोरियां, अलमारियां और दीगर सामान उठा लिया। आमदन से जायद असासाजात और साफ पानी कंपनियां स्कैंडल केस, हमजा शहबाज की नैब में आज पेशी। हमजा शहबाज नैब टीम के सामने पेश होकर सवालात के जवाब देंगे। बेटी की वालिद से मुलाकात, मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात। वालिद के लिए घर से खाना, जरूरी चीजें लेकर आईं। मुलाकात जेल हुकाम की निगरानी में करवाई गई, 1 घंटा जारी रही। महकमा दाखला, सेफ सिटी अथॉरिटी को पंजाब की 56 कंपनियों से अलहदा करने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को 29 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। सेफ सिटी अथॉरिटी कंपनियों की तारीफ में नहीं आती, दरख्वास्त गुजार। और सुंदर में जायदाद के तनाजे पर दोहरे कातिल की वारदात, बड़े भाई ने छोटे भाई और चचा को गुज़श्ता रात फायरिंग करके कातिल किया था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम।